अस्सलामुअलैकुम। हमारी सीरीज चल रही है स्पेशल डेटाबेसिस के ऊपर और आज का हमारा टॉपिक है मल्टी टेबल, यानी कि जो डिफरेंट टेबल के ऊपर जॉइंस कैसे लगाए जाते हैं और वो कितनी तरह के जॉइंस होते हैं। जॉइन क्या होते हैं और मल्टी टेबल से डाटा लेने का क्या मतलब होता है कि हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट टेबल से डाटा इकट्ठा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉमन फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास यहाँ पे एक टेबल एसेट का टेबल है और दूसरी तरफ हमारे पास स्टूडेंट्स का टेबल है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट्स हैं वो भी, हमारे पास हॉस्टल्स का डाटा है तो हमारा स्टूडेंट जिस रूम में रह रहा है उस रूम के अंदर एसेट्स कौन कौन से पड़े हैं, यानी कि ट्यूब्स कितनी हैं, टेबल्स कितने हैं, उन एसेट्स और स्टूडेंट्स के बीच में एक कॉमन फील्ड होगी। एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी, दो भी हो सकती है। जैसे कि आपका हॉस्टल होगा सबसे पहले कॉमन फील्ड और हॉस्टल के साथ फिर रूम नंबर, यानी कि यहाँ पे भी वो रूम नंबर होगा और यहाँ पे भी रूम नंबर होगा स्टूडेंट की टेबल के अंदर। वो अलग बात है कि आपका वो वन टू मैनी या मैनी टू वन का रिलेशन हो सकता है। वो क्या होता है, मसलन हमारा एक रूम के अंदर दो स्टूडेंट रह रहे हैं तो आपका एक रूम से स्टूडेंट की तरफ जो है वन टू मैनी का रिलेशन होता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये कंसेप्ट बताना लाजमी है कि हम जो जॉइन लगाते हैं कितने तरह के होते हैं और हर जॉइन का मतलब क्या होता है, तो वो मैं एक पिक्चर्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो मल्टी टेबल जॉइन, हमारे जॉइन जो चार तरह के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास इनर जॉइन होता है, लेफ्ट जॉइन होता है, राइट जॉइन होता है और फुल आउटर जॉइन होता है। दो तरह के जॉइन लगते हैं, एक तो आपके एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर, यानी कि दोनों टेबल की आईडी या रूम नंबर जो होता है उसके ऊपर लगता है। लेकिन अगर हम जीआईएस की बात करें तो हम ज्योमेट्री जो दोनों टेबल के अंदर सेम ज्योमेट्री पड़ी होती है उसकी इंटरसेक्शन करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे एसटी इंटरसेक्शन है वो सेम ऐसी है जैसे इनर जॉइन आपका यहाँ पे एट्रीब्यूट टेबल में होता है। तो अभी हमने चूंकि स्पेशल डेटाबेसिस के ऊपर अभी नई टॉपिक शुरू की है तो मैं इसकी बात नहीं करूंगा। अभी सिंपल जो है आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि जॉइनिंग क्या होती है, वो कितने तरह के जॉइंस होते हैं। तो हमारे पास हमेशा दो टेबल होते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन चार पांच छह भी टेबल हो सकते हैं, लेकिन उनका कंसेप्ट सेम है। अब इनर जॉइन ये होता है कि हम दोनों टेबल में से जो कॉमन फील्ड कॉमन डाटा होता है जब उसको निकालते हैं तो वो इनर जॉइन कहलाता है। यानी कि 10 रिकॉर्ड मेरे लेफ्ट टेबल में थे, लेफ्ट साइड पे टेबल है टेबल वन, और 10 रिकॉर्ड मेरे जो थे वो राइट टेबल में थे, जो मैच आपस में किए वो 5 किए, तो हमारा इनर जॉइन में से जो रिजल्ट निकलेगा वो सिर्फ दोनों टेबल की रोज जो होंगी वो 5 होंगी। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि आपका बाकी 5 और कॉमन 5 वो सारे का सारा आपकी रोज आ जाती हैं, जबकि उसके अगेंस्ट जो आपका सेकंड टेबल होता है उसके अंदर जो कॉलम होते हैं उसकी वैल्यूज नल आ रही होती हैं वहाँ पे। सेम वाइस वर्सा आपका राइट जॉइन के अंदर ये होता है कि आपका टेबल 2 जो होता है उसकी 5 जो मैच नहीं करती टेबल 1 से वो, और जो मैच कर रही है 5 वो, यानी कि 10 इसकी और इसकी 5 ही आ रही होती हैं वैल्यूज, बाकी जो है वो डाटा नल आ रहा होता है। फुल आउटर जॉइन में क्या होता है कि फुल जॉइन में आपका ये डाटा भी सारा आ जाता है, आपका जो मैच करता है वो भी आ जाता है, सेकंड टेबल इसका भी आ जाता है। तो इसमें हमारी मसलन 10 इसमें थी, 10 इसमें थी, मैच हमारी 5 की, तो अब हमारी रोज जो रिजल्ट निकलेगा वो कितनी निकलेगी, 5 ये और इसकी 5 जो मैच नहीं कर रही थी वो, और इसकी जो 5 जो है वो मैच नहीं कर रही थी वो, तो टोटल इसका रिकॉर्ड निकलेगा 5 ये और 5 ये और 5 ये, यानी कि 15 रोज आएंगी हमारी, जबकि हमारी मैच जो सिर्फ 5 की हैं, इसमें 10 का था, इसमें 10 का था, लेकिन जो आउटपुट हमारा फुल आउटर जॉइन में निकलेगा वो निकलेगा 15 का। यानी कि सबसे पहले तो वो जो मैच करेगी 5 वो निकाल देगा, फिर वो जो मैच नहीं कर रही यहाँ से वो निकाल देगा 5, और उसके आगे अगेंस्ट इसके अंदर नल रिकॉर्ड पड़ा होगा, 5 और 5 10 हो गई, फिर क्या करेगा, फिर इसकी वो 5 जो बाकी रह गई थी वो भी निकाल देगा, तो हमारा फर्स्ट टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है नल फील्ड वो नल पड़ी होंगी, तो यहाँ पे 15 का रिकॉर्ड निकलेगा। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था हमारा जॉइन का कि हम कैसे लगाते हैं, बाकी ये पढ़ लीजिएगा, थ्योरी की मैं फिर बात नहीं करना चाहता। तो हम प्रैक्टिकली अभी देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टेबल कौन कौन से हैं। स्टूडेंट टेबल जो है उसको मैं करूँगा कंट्रोल स्पेस, और ये हमारा फर्स्ट टेबल है, ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा टेबल है एसेट का। जब भी आप क्यूरीज लगाएं तो आपके जो इंटरेस्टेड टेबल होते हैं हमेशा उनको ऐसी क्यूरी लगा के रख लिया करें, क्योंकि जब आप बार बार क्यूरी लगाते हैं अपनी लॉजिक तैयार करना होता है तो आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है उस टेबल की कॉलम्स की या वैल्यूज देखने की। ये हमारे पास फील्ड्स जो हैं वो आ गई हैं, जिसमें आईडी है, नेम, फादर, डिपार्टमेंट, प्रोग्राम, सेशन। तो इसके अंदर हम कॉमन देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे हॉस्टल है और रूम नंबर है, और रूम नंबर के अंदर चूंकि हमारा हॉस्टल का डाटा भी लिखा हुआ है यहाँ पे, एसेट के अंदर हम देखते हैं अगर तो रूम वहाँ पे अवेलेबल है तो हमें सिर्फ एक ही ये वाली कॉमन फील्ड जो है ये मैच कर जाएगी।
तो मैं एसेट का देखता हूँ तो एसेट के अंदर हॉस्टल आ गया और रूम आ गया और रूम के अंदर ये वैल्यूज आ रही हैं। तो अब हम दोनों जो टेबल्स हैं हमारा इनका जो आपस में कनेक्शन है या रिलेशन है वो रूम की बेस के ऊपर बन चुका है, ऑलरेडी था। अब हमने देख लिया कि हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे दो अपनी क्वेरीज बना लेते हैं। टिपिकल स्टूडेंट है, उसमें से मुझे क्या चाहिए, उसमें से मुझे चाहिए आईडी, आईडी में ले लेता हूँ, नेम ले लेता हूँ, एज स्टूडेंट नेम कर लेता हूँ इसको मैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फादर। और उसके बाद मैं कर लेता हूँ प्रोग्राम और बस बहुत है इतनी। और उसके बाद जो रूम मैं यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ क्लास या रूम वो भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। और TBL स्टूडेंट्स क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ F5। तो ये जो टेबल है हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हम सारा रिकॉर्ड नहीं देखते, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम प्रोग्राम डिपार्टमेंट था हमारा उसकी चेक लगा लेते हैं ताकि यूटिलाइजेशन है वो अच्छी हो सके। वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू जियोलॉजी कर लेते हैं, ठीक हो गया। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ठीक हो गया, ये हमारे पास जियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं। वो डिफरेंट वो उनके प्रोग्राम जो हो सकते हैं और उनके रूम्स आ गए हैं हमारे पास। अच्छा, इसी तरह हम क्यूरी यहाँ पे एसेट वहाँ से हमने क्या, हमने एक मल्टी टेबल से एक टेबल बनाना है तो पहले हम दोनों टेबल से अलग अलग रिकॉर्ड निकाल लेते हैं और बाद में इसको ज्वाइन कर लेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमें एसेट में से क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो सिलेक्ट आईडी की ज़रूरत नहीं है यहाँ मुझे, हॉस्टल की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, रूम मुझे चाहिए और मुझे डाटा देखना है ट्यूबलाइट का, साथ में हॉस्टल भी यहाँ पे लगा देता हूँ। और फ्रॉम TBL कंट्रोल स्पेस और एसेट्स और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास जो है ये सारे का सारा टेबल यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया है। अब हमें नहीं क्या करना है कि अब हमें चाहिए कि हम देखना चाहते हैं हमारे पास ये जो आईडी या स्टूडेंट नेम है ये जिस कमरे में रह रहे हैं वहाँ पे ट्यूब्स कितनी हैं। अगर हम ये रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो हम कैसे देखते हैं, अब हम जॉइन की क्वेरी है वो लगाने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें आपको मैंने बताया इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और फुल जॉइन, फुल आउटर जॉइन भी बोलते हैं उसको और इनर जॉइन को सिंपल जॉइन भी बोलते हैं। क्योंकि अब हमने रिकॉर्ड निकालना है ये वाला, ठीक है, इनर जॉइन निकालेंगे यानी कि हमें पूरे डाटा सेट में से सिर्फ वो वाले स्टूडेंट्स निकालने हैं जिनकी इस रूम में रहते हैं, इसके ऊपर मैच करेंगे और आगे हमें ट्यूबलाइट चाहिए। तो मैं यहीं से क्यूरी आपके सामने सेलेक्ट करूँगा ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक कमेंट कर देता हूँ इनर जॉइन की हम क्यूरी लगा रहे हैं, ठीक है। ये मेरे पास आ गए एट्रीब्यूट्स जो कि हमारे पेरेंट, जो आपके जो पेरेंट होता है टेबल वो हमेशा लेफ्ट राइट के ऊपर होता है, यानी कि ये पिक्चर के अंदर यहाँ पे जो लेफ्ट राइट के ऊपर आ रहा है ना ये आपका हमेशा से पेरेंट आपका टेबल होगा जो कि फ्रॉम क्लॉज के साथ लिखा जाएगा। ये मेरे चाहिए आपको स्टूडेंट टेबल के अंदर में से, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और अब मैं वो एट्रीब्यूट्स लिखूंगा जो कि मुझे चाहिए टेबल एसेट में से, वो भी यहीं पे मैं इसके आगे लिख दूंगा। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन से कॉलम जो हैं वो स्टूडेंट के हैं कौन से एसेट के हैं, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि आप इसके साथ इसके पेरेंट टेबल का जो है वो नाम लगा देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं वो हम बात करते हैं आगे। पहले मैं यहाँ लगाऊंगा फ्रॉम टेबल हमारा पेरेंट है स्टूडेंट्स का और यहाँ पे मैं एलियस इसको दूंगा एज टेबल वन, ठीक है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं, हम इसको टेबल वन रख दिया मैंने, ये मेरा पेरेंट टेबल हो गया। और अब मैं लगा रहा हूँ इसके ऊपर इनर जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन में हमारे पास टेबल होगा टेबल एसेट और इसको भी मैं एलियस दे दूंगा एज टेबल टू। अब यहाँ पे आप जो है वो डिफाइन करेंगे कि कौन सा कॉलम टेबल वन का था कौन सा कॉलम आपका टेबल टू का था। अच्छा, अगर आपको वैसे पता है तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो कॉमन फील्ड होगी जैसे कि यहाँ पे आपकी रूम है
रूम दोनों के अंदर है, टेबल स्टूडेंट के अंदर भी, टेबल एसेट के अंदर भी, उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने किस टेबल का रूम लेके आना है, तो उसके ऊपर फिर लाजमी हो जाएगा। अगर तो आपको समझ आया ये भी रूम आ गया, ये भी रूम आ गया, अब ये डेटाबेस जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसको नहीं पता चलेगा, मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको समझ नहीं आएगी मैं किस टेबल से ले गया हूँ, तो वो आपको एरर देगा कि मुझे वो समझ नहीं आ रही, ये दोनों तरफ पड़ा है, तो प्लीज़ इसके साथ टेबल का नाम लिखते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं कि हम सारे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जितनी हमारी फील्ड्स हैं जो जिस टेबल से लाइक कर रहे हैं, तो हम उसके साथ टेबल का एलियस लिख देते हैं और डॉट का डॉट उसके साथ कंकैटिनेट कर देते हैं। ठीक हो गया, प्रोग्राम भी हमारा इसी टेबल के अंदर है, रूम हमारा इसके अंदर है, और ये हॉस्टल रूम और ट्यूबलाइट हमने टेबल एसेट से उठाया था। तो ये जो है अब हम यहाँ पे ये इसको असाइन कर देंगे। अच्छा, फर्दर आप इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे इंटर भी लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि ये टेबल टू जो है उसके कॉलम है। ये सिंपल आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप कैसे क्यूरी जो है उसको डिजाइन कर रहे हैं। अब बात आती है कॉलम के ऊपर, अब हमने ज्वाइन लगाना है, अब हम दोनों का रिलेशन पैदा करने जा रहे हैं। अभी दोनों टेबल अलग अलग थे, अब हम क्या करेंगे कि हमने उसको बताया कि इनर ज्वाइन करना है, यानी कि जो दोनों में से कॉमन था वो आपने डाटा सेट लेके आना है, बाकी सेम वही सिंपल क्यूरी है जो हम पहले लगाते हैं। और अब क्या करना है, अब हमने रिलेशन क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑन का, और यहाँ पे जो दोनों में कॉलम कॉमन आपका है फील्ड का नेम, वो यहाँ पे आप लिख देंगे, वो है हमारा रूम का इज इक्वल टू टेबल टू डॉट रूम। वो जो आपका मैच करेगा रूम एक दूसरे टेबल के साथ, वो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं, वेयर क्लॉज लगाने का भी सेम वही तरीका है कि आप वहाँ पे टेबल जो पेरेंट टेबल है या आपका जो चाइल्ड टेबल है उसका एलियस जो है वो आप वहाँ देंगे। अब चूंकि ये हमारा जियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है ये टेबल वन के अंदर था, तो हम इसको यहाँ पे टेबल वन कर देते हैं, और थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं ऑर्डर बाय टेबल वन डॉट आईडी। अब हम क्यूरी जो है वो चलाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। जी हाँ, हमारे पास जो रिजल्ट आया है, अब ये देखें आईडी यहाँ से शुरू हो जाए, आईडी स्टूडेंट नेम फादर नेम, उसके बाद प्रोग्राम आ गया हमारे पास, और ये रूम जो आ गया आपका टेबल वन का। अब ये हॉस्टल आ रहा है आपका टेबल टू से, और रूम आ रहा है आपका टेबल टू से, और आपको बता रहा है कि स्टूडेंट जो कि बीएस प्रोग्राम का है उसके इस रूम के अंदर टू ट्यूब लाइट्स हैं। ठीक है, ये तकरीबन सबके अंदर ही टू होंगी। तो इसने क्या किया है, इसको इसने आपको जितना जियोलॉजी का डाटा था आपका यहाँ पे, ठीक है, वो सारे का सारा उसने आपको निकाल के दे दिया है कि आपका। अब देखें, अगर मैं जियोलॉजी की ये वाला चलाता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो रिकॉर्ड है वो है 119 का। लेकिन जब मैं यहाँ पे चलाता हूँ ये वाला एग्जीक्यूट करता हूँ क्यूरी, तो मेरे पास रिकॉर्ड है 117 का। अब यानी कि दो जो थे ना वो मैच नहीं किए, दो ऐसे स्टूडेंट जियोलॉजी के हैं जो के मैच नहीं कर रहे, उनका यानी कि कोई ना कोई मसला होगा, उसका रूम जो है वो मैच नहीं कर रहा आपके एसेट के टेबल के अंदर, यानी कि जिस रूम में वो रह रहे हैं वो रूम यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए वो आपका रिकॉर्ड नहीं आया। ठीक हो गया, अब ये दोनों में से कॉमन जो है वो निकल के आपके पास आ गया है। तो ये आपकी इनर ज्वाइन की क्यूरी है। अब बात करते हैं हम लेफ्ट ज्वाइन की। ठीक हो गया, इस क्यूरी को नीचे कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेफ्ट ज्वाइन। उम्मीद है आपको समझ लग रही होगी, अगर आपको समझ ना लगे तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, मैं वहीं से एक दोबारा वीडियो जो है वो बना के ऑनलाइन कर दूँगा। ठीक है, अब लेफ्ट ज्वाइन में हमारे पास क्या है, लेफ्ट ज्वाइन में हमारे पास क्या है कि जो हमारा पेरेंट टेबल है वो पूरे का पूरा कॉमन फील्ड्स, और उसके साथ वो वाली फील्ड जो के नहीं है आपके चाइल्ड यानी कि एसेट टेबल के अंदर वो नल आए। तो हम जाते हैं यहाँ पे और जस्ट हम इसको कर देते हैं लेफ्ट। ठीक हो गया, और ये लेफ्ट कर देंगे क्योंकि नल वैल्यू आपकी ट्यूबलाइट की आएंगी ना, ये कम होंगी, तो हम ऑर्डर बाई ट्यूबलाइट कर देते हैं इस दफ़ा, कि जब ऑर्डर में आ जाए तो एंड के ऊपर हमें नल वैल्यू नज़र आ जाए। टेबल टू के साथ यहाँ पे हम कर देते हैं ट्यूब लाइट, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन। अब क्या है, लेफ्ट वाला सारा रिकॉर्ड आएगा, राइट वाला आपके पास वो वैल्यूज नल आएंगी जो कि नहीं अवेलेबल आपके स्टूडेंट टेबल के अंदर। क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ मैं, तो मेरे पास 122 रिकॉर्ड आई हैं, और ये देखें
मेरे पास लेफ्ट जो आपका पेरेंट टेबल है वो सारे का सारा आ गया रूम तक, लेकिन जो मेरे पास एसेट का टेबल था उसके अंदर मैच नहीं किया रूम आपका, तो वो 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू जो हैं वो अब नल आ गई हैं। ठीक है, यानी कि 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एसेट के अंदर रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। ठीक हो गया, तो ये भी आपको समझ आ गई है, आसान था, ईजी था। उसके बाद हम देखते हैं राइट जॉइन। राइट जॉइन तो बिल्कुल सेम ऐसे ही है, अब आपका वो रिकॉर्ड आ जाएगा जो कि एसेट के टेबल में है और स्टूडेंट में नहीं है। लेफ्ट की जगह राइट लगा देता हूँ, और यहाँ पे इस दफ़ा मैं ऑर्डर बाय करूँगा आईडी, क्योंकि अब हम इसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, ये नल आएगा। ऑर्डर बाय टेबल 1 TBL 1 और ऑर्डर बाय आईडी एंड पे चला जाएगा ना। और यहाँ पे मैं इस दफ़ा वेयर की क्लास भी ख़त्म कर देता हूँ ताकि स्टूडेंट मेरे वो सारे आ जाएं जो कि नहीं अवेलेबल उसके अंदर जो हमारा एसेट का टेबल है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और ये एग्जीक्यूट किया मैंने, और नीचे जाते हैं तो हमारे पास 109.22 कार्ड आ गया है। ठीक है, ये देखें एसेट के अंदर अजाफी रिकॉर्ड जो पड़ा हुआ है वो मैच नहीं किया स्टूडेंट के साथ, यानी कि ये स्टूडेंट अवेलेबल नहीं है, ये आपके पास 7-8 जितने भी हैं। तो ये राइट जॉइन जो है आपके, अब क्या हुआ है कि आपका जो चाइल्ड था, चाइल्ड टेबल था ना, चाइल्ड टेबल अपना सारा रिकॉर्ड ले आया है और साथ मैच जो है, ये देखिए मैच्ड वाले वो ले आया है, और जो कि आपके पेरेंट टेबल के अंदर नल वैल्यूज थी यानी कि जो नई रिकॉर्ड था उसको उसने नल शो कर दिया है। ठीक हो गया, सिंपल है ना, सिर्फ आप इनर जॉइन समझ लेंगे तो आपको ये समझ आ सकते हैं। अब देखते हैं फुल आउटर जॉइन। ठीक है, राइट जॉइन हो गया, अब यहाँ पे हम करते हैं फुल आउटर जॉइन। अब हमारे चाहे उसको रिकॉर्ड मिले ना मिले, अब ये वाले रिकॉर्ड जो है, एक तो पहले मैच जो है वो आ जाएंगे, उसके बाद जो है ये वाले रिकॉर्ड ये भी आ जाएंगे, और जो इसके अंदर नहीं थे पेरेंट के अंदर थे वो भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको चला के क्यूरी को, ठीक है, ऑर्डर बाय आईडी करेंगे, तो ये देखें ये राइट साइड के ऊपर आपको नल रिकॉर्ड आ रहा है और नीचे आपको मैच रिकॉर्ड आ रहा है, और सबसे एंड पे चले जाएँ तो यहाँ पर आपको पेरेंट का जो नल है वो रिकॉर्ड आ रहा है। आप देखें टोटल हमारे पास स्टूडेंट 922 के करीब हैं, लेकिन इस टाइम रोज जो है वो 30 के करीब जो है 33 के करीब आपके पास रिकॉर्ड आ रहा है। तो ये था आपका जॉइंस लगाने का तरीका कि आप एट्रीब्यूट की बेस के ऊपर कैसे जॉइन लगा सकते हैं। तो स्पेशल डेटाबेस के ऊपर जब जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि ये ऑन की जगह कि हम इंटरसेक्ट या फिर यूनियन या फिर हम कैसे इसको जॉइन लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको आज काफ़ी समझ आई होगी, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है लेकिन ये चूँकि एक ही टॉपिक था तो ये एक ही वीडियो में कवर करना ज़रूरी था। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें।